हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को गर्मी के जो भी वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आप क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। और अभी बता देने से एक होगा कि आप उसकी तैयारी कर पाएंगे, उसकी मिट्टी प्रिपेयर करके रख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। गर्मी के दिनों में बेल वाली सब्जियाँ बहुत अच्छी चलती हैं, तो उसका प्रिपरेशन हमें फरवरी में कर लेनी चाहिए। तो उसमें आप क्या क्या उगाएंगे? उसमें सेम उगा सकते हैं, करेला उगा सकते हैं, पम्पकिन उगा सकते हैं और जितने भी टिंडे उगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ सब्जी आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इनमें से कौन कौन सा। ये देखें, ये सेम का बीज है। और ये मूली आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे नहीं आए। इस तरह के जो दो कलर की मूली होते हैं, बेहतर रहता है कि वाइट वाली मूली लगाएं, वो बहुत इजी होती है ग्रो करने में। और लीफी वेजिटेबल में पालक उगा सकते हैं, इस वक्त बहुत अच्छे से स्प्राउट होगी। और ये लाल वाला साग, ये बहुत बढ़िया होता है। तो इस वक्त चेरी टोमेटो भी उगा सकते हैं, ये अप्रैल तक आपको बहुत अच्छा फ्रूटिंग देगा। अगर टेम्परेचर सही रहा जिन जगहों पे, वहाँ आगे भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। उसके बाद आप हरी मिर्च लगा सकते हैं, हरी मिर्च भी इस वक्त बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। और ये वाइट वाली मूली है, ये बहुत सिंपल होता है, बहुत हार्डी होता है और बहुत आराम से लग जाता है। यहाँ पे आप देखें, आप धनिया भी इस वक्त ग्रो कर सकते हैं। मैंने जनवरी में धनिया ग्रो किया था, लेकिन तीन बार मैंने ट्राई किया, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो धनिया नहीं उगता। मैंने बहुत बार पूरे मंथ ट्राई करके देखा, लेकिन जैसे ही आप देख रहे होंगे आज धूप बहुत अच्छी है और गर्माहट शुरू हो गई है, तो इस समय आप अगर बोएंगे धनिया को तो अच्छे से स्प्राउट होंगे। और ये रेड वाली मूली पिछले बार हार्वेस्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाई थी, इसका भी रिज़ल्ट तकरीबन ठीक ठाक मिला मुझे, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को वाइट वाली मूली लगाएं, वो बहुत बढ़िया से होती है। यहाँ आप देखें, ये बैगन का प्लांट है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कुछ टाइम पहले इसको सीड से ग्रो किया था, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँगी। तो बैगन में आप, ये वाइट वाले बैगन हैं, और बैगन में आप पर्पल वाले और ग्रीन वाला आता है, गोल लंबे हर तरह के गुच्छों में एक लगता है छोटे वाली वैरायटी, वो सब इस समय ग्रो कर सकते हैं। और करेला बहुत बढ़िया टाइम है करेले का, तो करेला ज़रूर ग्रो करें, ये आपको सितंबर अक्टूबर तक इसकी फ्रूटिंग होती रहेगी। उसके बाद बस ये कुछ हैं, कुछ सीड जो मैंने आप लोगों को दिखाए, तो ये आप ज़रूर ग्रो करें। देखें, ये मिर्ची के छोटे छोटे सैपलिंग्स मेरे रेडी हो गए हैं। आप लोग भी लगाना चाह रहे हैं अभी लगा दें फटाफट से, क्योंकि ये आपके, देखें जब इतने बड़े बड़े मिर्ची के सैपलिंग्स हो जाएं 3-3 इंच के, फिर हम इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। और जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और यहाँ देखें, ये एक मिर्ची लगी हुई है, इसमें बड़ा खूबसूरत, ये ऑर्नामेंटल भी है और खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये वाली मिर्ची भी आप लोग इस समय नर्सरी से ला के लगाएँ और बाद में उसके सीड स्प्रेड कर दें, ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, मूली के सीड अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वाइट वाले मूली के सीड मैंने लगाए हैं, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और अभी ये बहुत अच्छा सीजन है, आप अभी डालें, अभी ये बहुत जल्दी से उगेंगे क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यहाँ किनारे किनारे आप देख सकते हैं, और भी उस तरफ भी मैंने मूली के सीड लगाए हुए थे, तो मूलियाँ बननी अब शुरू हो जाएंगी। यहाँ आप लोग देखें, अभी जो मैंने आप लोगों को वाइट बैगन का दिखाया था, सीड दिखाया था, वो मैंने यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। हालांकि बहुत ठंड की वजह से इसकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अभी अचानक आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ग्रोथ में आ जाएगा। तो आप लोग हर 15-10 दिन के अंतर पे बीज ज़रूर लगाएं, ताकि हमें पता नहीं होता कि कब सही टेम्परेचर आएगा और कब वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 10-10 दिन के अंतराल पर या 15 दिन के अंतराल पर आप सीड शो करते रहें। राइट टेम्परेचर आने पर बहुत जल्दी से ये बढ़ने लगते हैं। और चूँकि विंटर की वजह से इनका जो साइज़ है वो इतना ही रह गया, अदरवाइज़ अभी इससे गर्माहट मिलती तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते। तो अभी आप लगाना शुरू कर दें इसको। यहाँ पे एक और आप देखें, यहाँ पे चेरी टोमेटो का एक प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक सीड डाला था, वो भी जर्मिनेट हो गया था। और साइड में मैं बचे हुए जगह का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मूली का है जो अभी ग्रो हो रहा है, 2-3 मूली मैंने साइड में लगा दी थी,
यहाँ पे भी आप ये देखें, ये देख सकते हैं, ये मूली का प्लांट है, देख रहे हैं, ये वही चेरी टोमेटो का प्लांट है जो सीड मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। और देखें 3 महीने के बाद इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ, कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अब तो टेम्परेचर की वजह से इसके फ्रूट रेड भी हो रहे हैं, तो अभी भी आप सीड डाल सकते हैं। और एक और तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे और फास्ट आप टमाटर को ग्रो कर सकते हैं। आप लोग यहाँ जो मेरे चेरी टोमेटो का जंगल देख रहे हैं, ये भी मैंने उसी सीड से तैयार किया था और उसका रिज़ल्ट आप देखें कितना बढ़िया है। और अगर आप लोगों के पास पहले से ही चेरी टोमेटो का प्लांट है या फिर टमाटर भी आप ऐसे ही उगा सकते हैं नॉर्मली, और अगर आपके पास टमाटर का भी प्लांट है तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बहुत कम टाइम में ही आपके प्लांट रेडी हो जाते हैं और गर्मी आते आते, गर्मी से पहले ही आपको वो फ्रूट देना शुरू कर देंगे। तो जिन लोगों के यहाँ टेम्परेचर मई जून में भी नॉर्मल रहता है, वहाँ पे आप अभी सीड से ग्रो करेंगे तो आपको थ्रू आउट बहुत सारी फ्रूटिंग मिलेगी। लेकिन जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाइक होते हैं, जैसे दिल्ली जगह जैसी जगह में, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे वो आप देखें। और मैं आप लोगों के साथ पिछले किसी वीडियो में इसके सकर्स लगाना दिखाई थी जिससे नए प्लांट हम अभी तैयार करेंगे, और उसका अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे उसमें कितनी जल्दी रूट निकलती हैं। तो यहाँ देखें सकर्स क्या होते हैं, आज फिर मैं आप लोगों को बता दूँ। देखें ये जो ब्रांच जा रही है, ये जो ब्रांच जा रही है, इसमें ये एक पत्ता है और यहाँ से एक नया ब्रांच निकल रहा है। हर पत्ती के नोड से आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखें, यहाँ एक छोटा सा ब्रांच निकल रहा है। हर लीफ के बाद एक छोटा छोटा इस तरह से ब्रांच निकलता है, यहाँ भी एक है। ये सब सकर्स कहलाते हैं। ये आप लोगों को आसानी रहे इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें, ये सकर है, इसको हम यहाँ से इस तरह से तोड़ लेंगे, बहुत ईजीली ये टूट जाते हैं। अब आप समझें ये हमारा एक प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। इतने इस पूरे चेरी टोमेटो के प्लांट में इतने सारे सकर्स हैं कि मैं चाहूँ तो बिना सीड लगाए इससे एक एक प्लांट, बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकती हूँ। अब कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था इसको लगा के, अब वो प्लांट कितना रूटिंग उसकी हो चुकी है वो मैं अभी आप लोगों को उसका अपडेट दिखाऊँगी। ये देखें सकर्स लगाने का हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बहुत जल्द मिलता है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर देखें, ये एक प्लांट लगाया था मैंने कुछ दिन पहले, आप मेरा वीडियो टमाटर वाला ज़रूर चेक करेंगे या फिर मुझे जो हमेशा देखते होंगे उनको पता होगा, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा भी था कि आप इसका अपडेट ज़रूर दिखाइएगा, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी इसके रूट निकाल के, इसमें रूट बना है, कैसा रूट सिस्टम डेवलप हुआ है वो मैं दिखाऊँगी आप लोग को। आराम से निकालेंगे इसे, ये आप देखें कितना सुंदर रूट इसका डेवलप हुआ है वो देखें, ये आप देख सकते हैं। देखें कितने कम टाइम में हमारा ये प्लांट रेडी हो गया। जब हम सीड से लगाते हैं तो उसको जर्मिनेट होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, और फिर चूंकि प्लांट की लाइफ 4 महीने की होती है इसलिए 4 महीने में 1 महीने वो जर्मिनेट होने में लग जाता है। तो हमें अगर टाइम बचाना है तो इस तरह का सिस्टम डेवलप करना होगा कि हम एक प्लांट या तो नर्सरी से लाएं या फिर जो डेवलप हुआ प्लांट है उसमें से इस तरह से सकर को देख के निकालना है, और इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं आपको इसको पानी में डिप करके दिखा देती हूँ। जहाँ से मैंने इसको लगाया था, टमाटर का प्लांट थोड़ा डीप रूट उसका, मतलब जितना आप डीप, अगर मैंने इसको यहाँ से भी लगाया होता तो आप देखते कि यहाँ से भी उसकी रूटिंग शुरू हो जाती। जितना डीप मैंने लगाया था, आप देखें यहाँ इस नोड एरिया से पूरी की पूरी रूट सिस्टम डेवलप है इसमें। तो टमाटर में जितने गहरे लगाएंगे टमाटर को, आपका टमाटर उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही बढ़िया प्लांट बनेगा। तो ये छोटी छोटी बात जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब इस तरह का सीड लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, ये मुझे तो 20-20 रुपीज़ में ये मिले हैं, और थोड़ा बहुत अपने एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्राइस वैरी करेगा। लेकिन अगर आप सीड भी ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मान लें किसी कारणवश आपका सीड नहीं होगा टेम्परेचर की वजह से या किसी और कारण से, तो आप फिर सेकेंड टाइम सीड डाल सकते हैं 10 दिन के अंतराल पर।
और दूसरा है कि अगर जो लोग सीड ग्रो नहीं कर सकते हैं, बहुत बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है, इस समय आप नर्सरी में भी सैपलिंग ले सकते हैं। एक एक सैपलिंग मुश्किल से मुझे लगता है 5 to 10 रुपीज़ में एक सैपलिंग आ जाता है, तो आप 2 या 3 सैपलिंग एक ही सब्जी की लेके आएँ कि मान लें किसी कारण बस एक अगर मर भी गया तो आपके पास एक ऑप्शन रहे। तो या तो सीड से ग्रो करें या फिर सैपलिंग लाएँ, दोनों में आप बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।